अगर आप एसएससी जेई या कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम निकालना चाहते हैं तो एक बात बिल्कुल ध्यान में रखिए, वो ये कि अगर आप कोई भी चैप्टर पढ़ते हैं तो जब तक उस पर आधारित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या न्यूमेरिकल्स आप नहीं सॉल्व करेंगे तब तक आपको उस सब्जेक्ट पे पकड़ भी नहीं बनेगी, उस सब्जेक्ट की कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग भी आपकी क्लियर नहीं होगी और आप किसी एग्ज़ाम में बेहतर भी नहीं कर पाएंगे। तो चलिए आज इस वीडियो में मैंने जो मशीन डिज़ाइन में फर्स्ट टॉपिक पढ़ाया है डिज़ाइन अगेंस्ट डायनामिक लोडिंग, उसके कुछ 25 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जिसमें कुछ न्यूमेरिकल और कुछ ऑब्जेक्टिव भी है। हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज इस सेशन में हम लोग मशीन डिज़ाइन के यूनिट 1 की 25 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि किसी न किसी प्रीवियस एग्जामिनेशन में पूछा गया है, और मैं कुछ न्यूमेरिकल्स भी डिस्कस करूंगा। मैंने जो टेस्ट लिया था उसमें बहुत सारे बच्चे अच्छा कर पाए हैं, तो अगर आप इस टेस्ट का क्वेश्चन चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। ऐसे में हर एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे भी डिस्प्ले करूँगा तो आप पैरेलली क्वेश्चन को देख के भी पॉज करके सॉल्व कर सकते हैं, एज यू विश, जैसा आपको अच्छा लगे। तो चलिए इस सेशन को हम लोग शुरू करते हैं। अभी हम लोग वन बाय वन जो है 25 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और जो भी क्वेश्चंस होंगे वो आपके स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएगा। तो चलिए हम लोग इस सेशन को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे पास है उसको हम लोग देखते हैं। हाँ चलिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो मैंने इस टेस्ट का क्वेश्चन है, स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, दैट मीन्स सिंपल क्वेश्चन है, स्ट्रेस कंसंट्रेशन का डिफिनेशन पूछा है। तो मैंने आपको बताया था कि स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर दो होते हैं, एक थ्योरिटिकल और एक फैटिक। चूंकि क्लियर नहीं है तो हम ऑप्शंस को देखेंगे और ऑप्शंस के हिसाब से आंसर टिक कर लेंगे। फर्स्ट ऑप्शन है नॉमिनल बाय इंडरेंस लिमिट, मैक्सिमम बाय नॉमिनल, दैट मीन्स इसमें नॉमिनल और मैक्सिमम स्ट्रेस की बात है। तो आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर जो है, अगर आपको याद होगा, सिग्मा मैक्स बाय सिग्मा नॉमिनल, तो ये आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट का। अब आप देख सकते हैं इसमें जो बी आंसर है वो ज्यादा करेक्ट है, ठीक है। ये थ्योरिटिकल स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर है ना, ये सिग्मा मैक्स जो है डिसकंटिन्यूटी के पास होती है और सिग्मा नॉमिनल जो हम लोग इंजीनियरिंग मेथड से लगाते हैं। तो ये क्वेश्चन वन था, तो आई थिंक ये आप देखते ही आप बना लेंगे ना। हालांकि इस एक क्वेश्चन के लिए एक मिनट है, बट ये 10 सेकेंड का क्वेश्चन है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो साइक्लिक लोडिंग पे है कि इन साइक्लिक लोडिंग स्ट्रेस कंसंट्रेशन इज मोर सीरियस ना, इन ब्रिटल मटेरियल, डक्टाइल मटेरियल, इलास्टिक मटेरियल, ब्रिटल एज डक्टाइल। तो सबसे पहले समझना है कि बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन में कंफ्यूज होते हैं। जब हम साइक्लिक लोडिंग की बात कर रहे हैं दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट डायनामिक लोडिंग, तो उसमें इस बात को समझना है कि इसमें डक्टाइल मटेरियल का भी बिहेवियर जो है वो यूजुअल बिहेवियर नहीं होता है जिस जो उसका डिफाइंड बिहेवियर है। तो जब हम स्टैटिक लोडिंग लगाते हैं टेंशन टेस्ट में तो उसमें फेलियर जो है हम लोग देखते हैं कि थ्योरिटिकली तो अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ के बाद शुरू होती है, लेकिन डिज़ाइन में हम लोग यील्ड के बाद ही कंसीडर करते हैं। लेकिन जब साइक्लिक लोडिंग लगता है तो यील्ड से पहले ही वो फेल कर जाता है, दैट मीन्स ज़्यादा सीरियस क्या हुआ, ये हुआ ना। तो इसका जो बेस्ट आंसर होगा दैट विल बी योर डक्टाइल मटेरियल। हाँ, इसी क्वेश्चन में अगर इसी क्वेश्चन को मॉडिफाई करके मैं साइक्लिक लोडिंग के जगह स्टैटिक लोडिंग दे दूं तो वहां पे इसको मॉडिफिकेशन के तौर पे आप देख सकते हो। तो अगर मैं यहां पे स्टैटिक लोडिंग दे दूं तो फिर उस कंडीशन में फिर मेरा आंसर हो जाएगा ब्रिटल मटेरियल। अच्छा, एक और पॉइंट है जहां से आप इसको जस्टिफाई कर सकते हैं कि साइक्लिक लोडिंग जब भी लगता है तो हम लोग ब्रिटल मटेरियल से किसी भी कंपोनेंट की डिजाइन नहीं करते हैं, क्योंकि वो उस लोड को
रेसिस्ट नहीं कर पाएगा, जो स्ट्रेस एम्पलीट्यूड होगा वो बिल्कुल भी रेसिस्ट करता ही नहीं था, हम लोग डिज़ाइन ही नहीं करते हैं, और ब्रिटल मटेरियल ऐसे ही जो है साइक्लिक लोड को नहीं सस्टेन कर पाता है। लेकिन डक्टाइल मटेरियल तो स्टैटिक लोडिंग को करता है, लेकिन जब ये आएगा साइक्लिक लोडिंग तो हमारा डक्टाइल मटेरियल जो है काफ़ी डेंजरस हो जाएगा। तो इस केस में योर आंसर विल बी बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, दैट इज द स्टैंडर्ड डिफिनीशन, द इंडरेंस लिमिट और फैटिक लिमिट इज डिफाइंड एज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्ट्रेस विच इज पॉलिश्ड अंडर स्पेसिमेन कैन विदस्टैंड विदाउट फेलियर और इनफाइनाइट नंबर ऑफ साइकिल। जैसे ही इनफाइनाइट नंबर ऑफ साइकिल की बात करते दैट मीन्स 10^6 साइकिल ना, इसे ही हम लोग इनफाइनाइट बोलते हैं। तो जैसे ही ये डिफिनीशन हो रहा है ना, ये डिफिनीशन जो है वो इंडरेंस लिमिट का है, मैंने बताया था कि इंडरेंस लिमिट जो है ना अगर 10^6 तक सस्टेन सेफ कर लेता है तो वो फिर हमारा सेफ स्ट्रेस कहलाएगा। तो लेकिन इसके लिए क्या है, लोड क्या होना चाहिए, कंप्लीटली रिवर्स लोड। चलिए तो इसका आंसर डी हो जाएगा, स्टैटिक लोड नहीं होगा, क्योंकि स्टैटिक लोड में आप देखेंगे ना ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं, स्टैटिक लोडिंग कभी भी इंडरेंस लिमिट की बात नहीं करता है। हाँ, डायनामिक लोडिंग हो सकता है, तो बी एक ऑप्शन है, सी स्टैटिक एज वेल एज डायनामिक है, तो ए और सी ऐसे ही ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता है, तो सी और डी में देखेंगे तो बेस्ट आंसर हो जाएगा कंप्लीटली रिवर्स लोड। ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट हमारा जो है ये तो थर्ड क्वेश्चन था, फोर्थ क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। Failure of material is called fatigue when it failed. That's basic definition. Fatigue failure. Fatigue ऐसा mode of failure है जिसमें material yield point से पहले fail कर जाता है, तो below the yield point option A is more appropriate. चलिए next आगे बढ़ते हैं पांचवें question की ओर। All the following statement about stress concentration are true except, that means इसमें बहुत सारे statement सही हैं, एक्सेप्ट मतलब किस स्टेटमेंट को छोड़ के रेस्ट सही है। तो जस्ट हम लोग ऑप्शन को देखते हैं, तो ऑप्शन ए जो हमारे पास है वो है मैक्सिमम स्ट्रेस एट द लोकेशन ऑफ डिसकंटिन्यूटी इज डिटरमाइंड फोटोग्राफिक मेथड। यस दैट इज ट्रू, मैंने बताया था कि जब भी किसी भी मेंबर में हमारा होल होगा तो उसके आसपास के रीजन में हमेशा डिसकंटिन्यूटी से हम लोग कंसिडर करते हैं, तो वहां पर मैक्सिमम स्ट्रेस होता है, और जहां मैक्सिमम स्ट्रेस होगा ना, तो इसका जो कैलकुलेशन है मैंने बताया था कि मैक्सिमम स्ट्रेस का कैलकुलेशन हम लोग स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर से करते हैं, और जिसे हम लोग फोटो इलास्टिसिटी मेथड से या और भी दो तीन एक्सपेरिमेंटल मेथड है जिससे केटी का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, डाउट नहीं है। दूसरा है इन साइक्लिक लोडिंग स्ट्रेस कंसंट्रेशन इज मोर सीरियस इन केस ऑफ डक्टाइल मटेरियल, अभी तुरंत हमने डिस्कस किया है पॉइंट टू ना, तो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। नाउ थर्ड देखते हैं, स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर इज इंडिपेंडेंट ऑफ ज्योमेट्री ऑफ डिसकंटिन्यूटी इन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मशीन पार्ट। नो, दिस इज नॉट ट्रू। स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर हमेशा डिपेंड करता है ज्योमेट्री पे, कि जैसे होल है तो सर्कुलर होल है, इलिप्टिकल होल है, क्रैक बन रहा है, नॉच है, ये अलग अलग तरह की ज्योमेट्री है, और अलग अलग में स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर अलग होगा। आपको याद होगा तो मैंने बताया था कि सर्कल के केस में 3 होता है ना, क्रैक्स जो ट्रांसवर्स लोड के डायरेक्शन में होता है उसमें इनफाइनाइट टेंस करता है, लॉन्गिट्यूडनल स्लिट्स में 1 की ओर टेंड करता है, नॉच में 1+2a/r होता है। तो ये क्या आप देख रहे हो कि अलग अलग डिसकंटिन्यूटी में अलग अलग स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर है, तो ये गलत है। ऐसे फोर्थ पे जाने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी हम लोग देख लेते हैं। स्ट्रेस कंसंट्रेशन इज मोर सीरियस इन केस ऑफ ब्रिटल मटेरियल, दैट्स ट्रू बट अंडर स्टैटिक लोडिंग, ये भी सही है। तो इस केस में आंसर हो जाएगा सी। तो ये 1-5 क्वेश्चन है, एक बार इसको देख लें, फिर हम लोग नेक्स्ट 5-10 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि एक प्लेट है विद सर्कुलर होल इन द सेंटर विच इज सब्जेक्टेड टू ए टेंसाइल लोड। सिंपल क्वेश्चन है ना हमारे पास, कि हमारे पास एक प्लेट है, इस पे एक सर्कुलर होल है ना, और टेंसाइल लोड लग रहा है। दैट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन ना। द मैक्सिमम स्ट्रेस इंड्यूस्ड एट द एज ऑफ होल, एट द एज ऑफ होल, तो मैंने बताया था ना कि अगर यहाँ पे हम लोग KT लिखेंगे दैट विल बी सिग्मा मैक्स बाय सिग्मा नॉमिनल ना, तो यहाँ से फॉर्मूला हमारा हो जाएगा सिग्मा मैक्स इज इक्वल्स टू K
kt टाइम्स सिग्मा नॉमिनल। तो आप देख सकते हैं यही एक्चुअली पूछा जा रहा है। तो मैंने बताया था ना इलिप्टिकल होल के लिए kt याद रखेंगे 1 प्लस 2a बाय b, ये हमारा kt था फॉर इलिप्टिकल होल। एंड फॉर सर्कल a बराबर b ना सर्कल के लिए था, तो इस केस में kt इक्वल्स टू कितना था 3। ये बहुत ही स्टैंडर्ड रिजल्ट है माय डियर स्टूडेंट, आप इसे जितना याद रखेंगे उतना ही बेहतर होगा, क्योंकि ये सब क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन है जो SSC JEE गेट बहुत सारे ऐसे एग्जाम में आते हैं, जो अगर आप प्रैक्टिस में हैं तो विद इन 10-15 सेकेंड में आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो आंसर विल बी ना तो व्हाट विल योर आंसर 3। तो आई थिंक डी ऑप्शन इज मोर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज नॉट अडॉप्टेड फॉर इंक्रीज द फैटिग स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। यस, फैटिग स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए आपको सरफेस पे रेसिड्यूअल कंप्रेसिव स्ट्रेस डेवलप करना होगा, और उसके लिए जो मेथड्स हैं आप देख सकते हैं कोल्ड वर्किंग करने से डेफिनेटली वहां पे रेसिड्यूअल कंप्रेसिव स्ट्रेस डेवलप होता है, रेसिड्यूअल स्ट्रेस डेवलप होता है। शॉर्ट पिनिंग सबसे फेमस टेक्निक है फैटिग स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए। बेटर सरफेस कंडीशन दैट मीन्स जितना सरफेस अच्छा होगा, जिस जितना सरफेस फिनिश बेहतर होगा, क्रैक्स उतने कम होंगे, डिसकंटिन्यूटी उतनी कम होगी, वहाँ पे स्ट्रेस कंसंट्रेशन उतना कम होगा, दैट मीन्स उसकी जो स्ट्रेंथ है उतनी ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे डी ही ऑप्शन बचता है जो गलत है, तो हॉट वर्किंग विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं 8। इन द स्ट्रेस सिचुएशन इन द क्वेश्चन अबव इफ ए बराबर 0.5 बी देन थ्योरिटिकल स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर विल बी ना। ये स्टैंडर्ड केस है एलिप्टिकल होल का जहां पे ए और बी में रिलेशन है। देखिए कई बार जो है आपको इसी तरह से क्वेश्चन मिलेगा, इसमें डायग्राम भी बन सकता था बट वो नहीं दिया है, बट ए और बी जैसे ही दे और स्ट्रेस कंसंट्रेशन दे तो सीधे दिमाग पे लगाना है कि वो कौन सा फॉर्मूला पूछ रहा है, इलिप्टिकल होल का। तो इलिप्टिकल होल में मैं जान रहा हूं 1 बराबर 2x ऑफ a बाई b एंड इट इज गिवेन a बराबर 0.5b। क्या दिया हुआ है जरा इसको देखेंगे, a बराबर 0.5b। चलिए इसमें पुट करते हैं व्हाट विल बी द रिलेशन, 1 प्लस 2x ऑफ 0.5 इंटू b बाय b कैंसिल हो गया यहां से 1 प्लस 1। व्हाट इज योर आंसर 2। चलिए तो ऑप्शन सी देखेंगे वो ज्यादा अप्रोप्रिएट है 2। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, ये सब जस्ट फॉर्मूला पुटिंग क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं 9। द डिजाइन कैलकुलेशन फॉर मेंबर सब्जेक्टेड टू फ्लक्चुएटिंग लोड ओके विद द सेम फैक्टर ऑफ सेफ्टी यील्ड द मोर कंजर्वेटिव एस्टीमेट। देखिए इसमें कहीं भी इसने क्लियर नहीं किया है कि मटेरियल कौन सा है, डक्टाइल है या ब्रिटिल। जब कुछ भी क्लियर नहीं करे दैट मीन्स सिंपल हम डक्टाइल मटेरियल मान के करते हैं, क्योंकि उसी का डिजाइन हम लोग करते हैं। तो यहाँ पे इस जो 4 इक्वेशंस हैं सोडरवर्क रैंकाइन गर्बर और गुडमैन, इसमें सबसे बेस्ट कौन है, मोस्ट कंजर्वेटिव का मतलब होता है सबसे अच्छा सबसे सेफेस्ट कौन है, तो मैंने आपको बताया था सोडरवर्ग इक्वेशन ऑप्शन ए में ही है। हाँ रैंकाइन तो ऑप्शन ही नहीं होगा, गुडमैन जो है वो ब्रिटल के लिए बेस्ट है और गर्बर तो सबसे पहला था जो कि करेक्ट नहीं था। ठीक है तो इसका आंसर हो जाएगा आपको सोडरवर्ग रिलेशन। चलिए तो ये भी सिंपल क्वेश्चन है। अब हमारे पास है विच मैथमेटिकल रिलेशन इज ट्रू फॉर के एफ इन टर्म्स ऑफ क्यू एन के टी। चलिए तो ये जो है सिंपल डेरिवेशन है, नॉट सेंसिटिविटी क्यू हो गया, के टी हो गया यहाँ पे थ्योरिटिकल स्ट्रेस कंसंट्रेशन पर, और के एफ हो गया फैटिक। तो के एफ का फॉर्मूला निकालना है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं ना हमारे पास जो रिलेशन है उस रिलेशन में क्या था, क्यू बराबर दैट इज के एफ माइनस वन बाय kt माइनस वन। चलिए तो kf अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे तो दैट विल बी q टाइम्स ऑफ kt माइनस वन। व्हाट इज kf, वेरी सिंपल, q टाइम्स ऑफ kt माइनस वन प्लस वन। ध्यान से देखेंगे बहुत सारे क्लोज रिलेशन है तो आप देख सकते हो q kt माइनस वन प्लस वन जो है c ऑप्शन इज मोर appropriate। ठीक है तो ये क्वेश्चन नंबर 10 हो गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 में देखेंगे, फिर वही क्वेश्चन है। इन ए सेमी फाइनाइट प्लेट हैविंग एलिप्टिकल होल ऑफ ए मेजर एक्सिस 2a एंड माइनर एक्सिस 2b द वैल्यू ऑफ थ्योरेटिकल स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर। चलिए इसमें स्टैंडर्ड फॉर्मूला है 1 प्लस 2a बाय b। मैं इस पर डिस्कशन इसलिए करना चाहूंगा कि यहां पर एक और ऑप्शन है 2b बाय a, और बहुत सारे स्टूडेंट जो है इसमें परेशान हो गए।
ठीक है, गलत कर लिया इन्होंने या गलत करते हैं, तो ध्यान से सुनिए। सबसे पहले तो इस तरह के क्वेश्चंस में डायग्राम्स भी होते हैं, बट इसमें डायग्राम नहीं दिया हुआ है तो ओके। और सेमी मेजर और सेमी माइनर एक्सिस, ठीक है, हम मान लेते हैं 2A 2B है या कोई भी चेंज भी हो सकता है, बट डायग्राम क्लियर नहीं है, लोडिंग कंडीशन नहीं है कि ये किस डायरेक्शन में लग रहा है, दैट मीन्स दिस इज द स्टैंडर्ड सिचुएशन। जब कुछ भी क्लियर क्वेश्चंस में ना हो, ये ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने का बेस्ट टेक्निक है, कुछ भी क्लियर नहीं हो, दैट मीन्स वी आर रेफरिंग स्टैंडर्ड रिजल्ट्स। जब हम स्पेशल केस पूछेंगे, आई विल गिव द डायग्राम, आई विल गिव द स्पेशल सिचुएशंस, बस ऐसी कोई बात नहीं है, इसलिए विल गो विद द स्टैंडर्ड रिजल्ट्स। व्हाट इज द आंसर? 1 + 2a / b। आई होप आपका क्लियर होगा, बहुत बच्चों ने इस क्वेश्चन में गलती की है। ओके, नेक्स्ट में चलते हैं। रजिस्टेंस टू फैटिग ऑफ ए मटेरियल इज मेजर्ड बाय, ना फैटिग फेलियर में जो रजिस्टेंस ऑफर होता है वो कब तक आप सेफ होते हैं, तो एक ही ऑप्शन है, यंग्स मॉडुलस, यील्ड पॉइंट, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस लिमिट। तो माय डियर स्टूडेंट, कॉमन सेंस भी हम लोग यूज करेंगे ना, फैटिग है तो फैटिग में यंग्स मॉडुलस का कोई रोल नहीं है, इल पॉइंट का कोई रोल नहीं है, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ का कोई रोल नहीं है, इसमें एक ही डिजाइन क्राइटेरिया होता है, एक ही वैल्यू पे हम लोग ज्यादा फोकस करते हैं, वो है एंड्योरेंस लिमिट। तो आंख बंद करके भी आप यू कैन गो विद द एंड्योरेंस लिमिट ऑप्शन। तो चलिए ये हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। दैट इज द बेसिक डिफिनेशन, स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर इज द रेशियो ऑफ। अब ध्यान से देखेंगे, मैंने फर्स्ट क्वेश्चन भी यही दिया था और 13 क्वेश्चन भी यही था, और आप देखेंगे ये ONGC का क्वेश्चन है, आई गेस ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, तो कई बार क्लियर नहीं करता कि फैटिग है या थ्योरिटिकल है, यू हैव टू सी द ऑप्शन और ऑप्शन देख के आपको समझ में आ जाएगा कि ये फैटिग वाला स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर है या थ्योरिटिकल वाला है। तो आई होप देखेंगे, तो ये जो दिख रहा है मुझे उसी हिसाब से ये फैटिग वाला है, तो उसी हिसाब से एंड्योरेंस लिमिट विदाउट स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर डेफिनेटली वो बड़ा होगा बाय एंड्योरेंस लिमिट विथ स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर। तो ये जो डिफिनेशन है दैट इज स्टैंडर्ड रिजल्ट, तो इसके भी आंसर हो जाएंगे 13। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। द सेवियरिटी ऑफ स्ट्रेस कंसंट्रेशन कैन बी रिड्यूस बाय, अच्छा स्ट्रेस कंसंट्रेशन के प्रॉब्लम को आप कैसे रिड्यूस कर सकते हो? पहला है ऑप्शन है प्रोवाइडिंग स्मॉल अंडरकट, यस मटेरियल को रिमूव करेंगे अंडरकटिंग मेथड द्वारा, गिव ए स्मॉल अंडरकट, दैट इज ट्रू। ओके, यूजिंग मल्टीपल नॉच, दैट इज ऑल्सो ट्रू, जब आप मल्टीपल नॉच बनाते हैं इंटेंशनली तो वो भी स्ट्रेस कंसंट्रेशन को कम करने के लिए। सिमिलरली मल्टीपल होल्स, तो ACD करेक्ट है, तो इसका आंसर जो ऑल ऑफ दीज है, ये मैंने ऑर्डर चेंज कर दिया है, ठीक है, जनरली लास्ट में रहता है बट ये ऑर्डर चेंज है, तो ये बेस्ट आंसर है आपको ऑल ऑफ द एबव। चलिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। स्ट्रेस कंसंट्रेशन इन मशीन कंपोनेंट ऑफ ए डक्टाइल मटेरियल इज नॉट सो हार्मफुल एज इट इज ब्रिटल मटेरियल बिकॉज, सही बात है। देखिए जब इस तरह के सिचुएशंस हैं थोड़े कंफ्यूजिंग होते हैं, यहाँ पे कह रहा है कि डक्टाइल में उतना सीरियस नहीं है जितना कि ब्रिटल में होता है, तो उसका कारण है, अब यहाँ पे लोड कुछ भी क्लियर नहीं है, ये ट्रिकी क्वेश्चन है, यहाँ पे लोडिंग कंडीशन क्लियर नहीं है, स्टैटिक है कि डायनामिक है। तो अभी हम ऑप्शंस को गौर से देखेंगे। पहला ऑप्शन है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी लार्जर इन डक्टाइल मटेरियल, ये इरिलेवेंट है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी का यहाँ पे स्ट्रेस कंसंट्रेशन से कोई संबंध नहीं है। दूसरा ऑप्शन देखें, इंडक्टाइल मटेरियल लोकल यील्डिंग में डिस्ट्रीब्यूट स्ट्रेस कंसंट्रेशन, यस ये थोड़ा सा रिलेवेंट है। देख दूसरा तीसरा और चौथा देख लेते हैं, पॉइजन्स रेशियो डक्टाइल मटेरियल लार्जर वैल्यू यंग्स मॉडुलस, तो इसमें इन सब चीजों का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, बी ऑप्शन थोड़ा रिलेवेंट है, सही भी बात है, डक्टाइल मटेरियल में यील्डिंग होता है, दैट मींस ये स्टैटिक लोडिंग की बात कर रहा था, आपको खुद समझना होगा, ये आपको अपना क्वेश्चन पढ़ के इतना दिमाग लगाना होगा कि ये जो है वो स्टैटिक लोडिंग की बात करते हैं, स्टैटिक लोडिंग में ही डक्टाइल मटेरियल यील्ड करता है, ऐसे डायनामिक में तो पहले ही टूट जाता है, तो वो है ही नहीं, तो ये यील्ड की बात कर रहा है, दैट मींस स्टैटिक लोडिंग है और यील्डिंग के वजह से स्ट्रेस कंसंट्रेशन जो है वो कम हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, वही ब्रिटल मटेरियल अंडर स्टैटिक लोडिंग वहां पे स्ट्रेस कंसंट्रेशन इनफाइनाइट की ओर रीच करता है, क्योंकि क्रैक फॉर्मेशन होता है जिससे वो तुरंत टूट जाता है। तो आई होप बी इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर। चलिए तो अभी ये 15 तक हुआ, अब हम लोग आगे डिस्कस करते हैं, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 को डिस्कस करेंगे। 16 क्वेश्चन जो है वो एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है ना, और बच्चा अक्सर हाँ न्यूमेरिकल क्वेश्चन देख के घबरा जाता है, तो चलिए घबराना बिल्कुल भी नहीं है, देखिए फॉर्मूला पुटिंग क्वेश्चन है, आपको देख के डर लग गया, एक मिनट में क्वेश्चन बनने वाला है, ठीक है। चलिए तो क्या कह रहा है,
ए बार इज सब्जेक्टेड टू फ्लक्चुएटिंग टेंसाइल लोड फ्रॉम 20 किलो न्यूटन टू 100 किलो न्यूटन. ठीक है, एक सिंपल बार है, इसको समझिए ना. मान लेते हैं ये एक सिंपल बार है, ये पी है, और इसका जो वैल्यू है पहला 20 किलो न्यूटन है टू 100 किलो न्यूटन है. वेरी गुड ना. दैट मींस मिनिमम वैल्यू अगर लोड का देखेंगे तो इतना है, और मैक्सिमम वैल्यू लोड का देखेंगे तो ये दिया हुआ है. ठीक है, चलिए यही चीज समझना है, यहीं पे बच्चे कंफ्यूज है. द मटेरियल हैज यील्ड स्ट्रेंथ. ओके, यील्ड स्ट्रेंथ दिया हुआ है, दैट इज स्टैंडर्ड रिजल्ट. यील्ड दिया हुआ है कितना, 240 मेगापास्कल. वेरी नाइस. इंड्योरेंस लिमिट भी दिया हुआ है, ये स्टैंडर्ड डाटा है, हमें इसकी जरूरत पड़ेगी. ठीक है, दैट इज 160 मेगापास्कल. वेरी नाइस. अकॉर्डिंग टू सोडरबर्ग प्रिंसिपल, जैसे ही सोडरबर्ग प्रिंसिपल कहता है आपके दिमाग में तुरंत सोडरबर्ग इक्वेशन आ जाना चाहिए. तो माय डियर स्टूडेंट, आप अगर ध्यान से देखेंगे तो व्हाट इज सोडरबर्ग इक्वेशंस, तो सोडरबर्ग इक्वेशन जो है हमेशा यील्ड पॉइंट पे डिफाइंड है, इसलिए डाटा भी है. तो सिग्मा ए बाई सिग्मा ई प्लस सिग्मा एम बाई सिग्मा वाई एंड दैट इज इक्वल्स टू 1 बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी. ठीक है, आप देखेंगे सिग्मा ई सिग्मा वाई दिया हुआ है. ठीक है, सिग्मा ए और सिग्मा एम याद करिए क्या होता है. सिग्मा ए था स्ट्रेस एम्पलीट्यूड, दैट इज मैक्सिमम स्ट्रेस माइनस मिनिमम स्ट्रेस बाय 2, और मीन है वो है दोनों का एवरेज. अब आपको यहां पे मैक्सिमम स्ट्रेस और मिनिमम स्ट्रेस निकालना है. ठीक है, लेकिन यहां पे क्या दिया हुआ है, सिंपल लोड दिया हुआ है. तो मैक्सिमम लोड और मिनिमम लोड दिया है. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमेशा स्ट्रेस कैलकुलेशन में कांस्टेंट होता है, तो पी बाय ए मैं कर दूंगा तो स्ट्रेस निकल जाएगा. तो आई कैन से दैट व्हाट इज मैक्सिमम स्ट्रेस, दैट इज पी मैक्स बाय ए. आई कैन राइट 100 किलो न्यूटन बाय ए. एरिया नहीं दिया है, लेट सपोज ए. और व्हाट इज मिनिमम क्या हो जाएगा, ध्यान से देखेंगे. सिमिलरली आई कैन राइट 20 किलो न्यूटन बाय ए. ठीक है, एरिया नहीं दिया है. ओके, कोई बात नहीं है, एरिया नहीं दिया है, हमें इसकी जरूरत नहीं है. ठीक है, अब देखेंगे. अच्छा, नो, द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इन मिलीमीटर स्क्वायर ऑफ द बार फॉर ए फैक्टर ऑफ सेफ्टी 2. चलिए, तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी भी हमको यहां पे 2 दिया हुआ है, ये पता है, ये पता है, और इसमें पी पता है, बी पता है, एरिया बचा है, आप नहीं निकाल सकते हैं. बहुत आसान क्वेश्चन है ना. इस क्वेश्चन में अगर मैं डायरेक्टली यहां मैं पुट कर दूं वैल्यूज ना, अच्छा, उससे पहले आपको स्ट्रेस एम्पलीट्यूड निकालना पड़ेगा. तो स्ट्रेस एम्पलीट्यूड देखेंगे, तो सिग्मा ए दैट इज सिग्मा मैक्स माइनस सिग्मा मीन बाई 2. चलिए, तो यहां पे तो पी बाय ए है, ए को बाहर ही रखते हैं, तो यहां से 100 माइनस 20 विल बी 80, 80 बाई 2 40. तो आई कैन राइट 40 बाय ए किलो न्यूटन बाय मिलीमीटर स्क्वायर. ओके, बाकी सारे मेगा पास्कल में है, तो कोशिश करेंगे इसको भी मैं मेगा पास्कल में कन्वर्ट कर लूं ना. तो मेगा पास्कल करने के लिए जो है इसको कुछ नहीं करना, अगर ये मैं कर दूं तो मेगा पास्कल हो जाएगा. तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 40 × 10^3 दैट इज एम पी ए. अब जब सिग्मा ए निकाल लिया, इसी तरह सिग्मा एम भी आपका निकल जाएगा. सिग्मा एम कैसे निकलेगा ना, 100 प्लस 20 ना, और ए तो कॉमन आ जाएगा, तो 120 बाई 2 60 ना, तो ये हो जाएगा 60 बाई ए इंटू 10^3 मेगा पास्कल. चलिए, सारे वैल्यूज पता है, इस फॉर्मूला में पुट करेंगे, पुट करिए वैल्यू, यू विल गेट द आंसर डायरेक्टली. आप पुट करके देखिए, बहुत आसान है, कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है. सिग्मा ए कितना है, 40 ना. चलिए, फॉर्मूला है 40 × 10^3 बटा ए. वेरी नाइस. सिग्मा ई कितना है, 160 प्लस. सिमिलरली सिग्मा एम निकला हमारा 60 × 10^3 बाय ए इंटू इट इज 240 बराबर 1/2 ना. ए कॉमन है, इसको लेके सीधा सीधी हम लोग इधर भेज दें, ए बट्टा 2 यहां हो जाएगा. ध्यान से देखिए ना,
44 ये है, ये भी 4 है ना, यहाँ पे हमारा आ गया। यहाँ पे अगर ऑप्शंस देखे जाए, चलिए तो ये 4 4 है, कुछ गड़बड़ लग रहा है, 100 माइनस 2 80/240 120/2 60 सिग्मा ए दिस सिग्मा दिस बाय दिस 1/4 यस यस राइट 1/4 10 के पावर 3 हम लोग कॉमन ले लेते हैं, सही ही चल रहे हैं। 1+4 1+4 दैट इज इक्वल्स टू ए बाय 2, ये जो है 1+4 1+4 हाफ हो जाएगा, ये कट गया तो डायरेक्टली आ जाएगा ए बराबर 10^3 मिलीमीटर स्क्वायर। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। तो देखिए थोड़ा सा जो है आपको एफर्ट लगाना होगा, इट नीड्स प्रैक्टिस ना, थोड़ा सा प्रैक्टिस आपको करना होगा, ये सवाल बहुत आसानी से बन जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 भी न्यूमेरिकल है ना, इसमें आप देखते हैं थिन स्फेरिकल प्रेशर वेसल की बात की गई। तो थिन प्रेशर स्फेरिकल प्रेशर वेसल में आपको याद होगा जो मैक्सिमम स्ट्रेस होता है वो कितना होता है ना, तो आप देखेंगे तो थिन में आपको दैट स्ट्रेस, दैट मैक्सिमम स्ट्रेस विल बी PD/40 ना, ये किसके लिए है, ये है थिन स्फेरिकल प्रेशर वेसल। आई होप ये आपको याद होगा ना, सिलिंड्रिकल प्रेशर वेसल्स होते हैं उसमें हुप स्ट्रेन होते हैं, लेकिन स्फेरिकल में दोनों बराबर हमारा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो डाया भी दिया है, थिकनेस भी दिया है, इंटरनल प्रेशर जो है वेरी कर रहा है, एक बार 4 है एक बार 8 है, तो डेफिनेटली यहाँ से मैक्सिमम स्ट्रेस मिनिमम स्ट्रेस मिलेगा। तो अगर मैं निकालूं सिग्मा मैक्स तो डेफिनेटली प्रेशर विल बी मैक्स इंटू डी बाय 40, और यहाँ से आप सिग्मा मिन निकालते हैं, ठीक है, यही इसमें समझना था, यही क्वेश्चन का ट्रिक है। ये अगर निकल जाएगा, ये दोनों आप अगर निकाल लेते हो ना, डेफिनेटली यू कैन कैलकुलेट सिग्मा एम्पलीट्यूड सिग्मा मैक्स प्लस सिग्मा मीन बाई 2, और यहां से आप सिग्मा एवरेज निकाल लीजिएगा, दैट इज सिग्मा मैक्स, ये माइनस होगा सिग्मा मैक्स प्लस सिग्मा मीन बाई 2। चलिए ये वैल्यू निकाल लीजिए, सवाल ऐसे ही बन जाएगा। मैक्सिमम कितना है, 4 MPa। चलिए 4 मिनिमम है, डाया कितना है 200 mm, 4 इंटू थिकनेस कितना है 1। चलिए तो ये कैंसिल हो गया, इट विल बी 200 MPa। चलिए यहाँ पे 4 की जगह सिर्फ हो जाएगा 8, ये प्रेशर है, डाया 200, 4 इंटू 1 ये हो गया 2, इट विल बी 400 MPa। तो आप ध्यान देखेंगे मैक्सिमम 400 है, ये 200 है। चलिए तो एवरेज कितना हो जाएगा, 400 200 600/2 300 MPa। चलिए व्हाट इज सिग्मा ए, डिफरेंस कर देंगे 200/2 दैट विल बी योर 100, ठीक है। सिग्मा ए निकल गया, सिग्मा एम निकल गया, अच्छा गुडमैन रिलेशन दिया हुआ है तो हमें अल्टीमेट स्ट्रेंथ चाहिए, तो अल्टीमेट स्ट्रेंथ दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो डायरेक्ट फॉर्मूला ही पुट कर देते हैं, तो सिग्मा ए बाय सिग्मा ई प्लस सिग्मा एम बाय सिग्मा यूटी, याद रखना है अल्टीमेट लेंगे क्योंकि गुडमैन रिलेशन है, 1 विल बी फैक्टर ऑफ सेफ्टी। चलिए तो पुट कर दीजिए, क्या होगा रिलेशन, 100/ई कितना है क्वेश्चन में दिया हुआ है, इंड्योरेंस जो है वो दिया हुआ है दैट विल बी 400 प्लस मिनिमम कितना निकला है 300/, हम लोग अल्टीमेट स्ट्रेंथ की बात करेंगे दैट विल बी 600 एंड 1 विल बी फैक्टर ऑफ सेफ्टी, मान लेते हैं एक्स। चलिए तो ये हो गया हाफ, ये हो गया 1/4, तो हाफ कितना हो गया 0.5, चलिए ये कितना हो गया 1/4, 0.25 विल बी 1/x, तो 0.75 बराबर 1/x, x निकाल दीजिए 0.75 लिख सकते हैं, 3/4 पलट देंगे, x विल बी 4/3, आंसर विल बी 1.33, तो एक ही ऑप्शन है ऑप्शन बी 1.3।
कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, बस एक ही ट्रिक था, जिस बच्चे को ये फॉर्मूला याद होगा वो बना लिया होगा या बन जाएगा उनसे, ठीक है। तो आपको इस तरह के क्वेश्चंस में दो ही चीज कैलकुलेट करना होता है, एक मैक्सिमम स्ट्रेस और एक मिनिमम स्ट्रेस, ठीक है। उसका फिर एवरेज ले लेंगे, एक बार माइनस करके हाफ कर देंगे, उसके बाद सिग्मा ई और यूटी या वाईटी ये हमेशा दिया हुआ रहता है, तो आपको फैक्टर ऑफ सेफ्टी मिल जाएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 डिस्कस करते हैं। 18 क्वेश्चन में दिया हुआ है, ए डक्टाइल मटेरियल हैविंग एन इंड्योरेंस लिमिट ऑफ 190 मेगा पास्कल एंड यील्ड पॉइंट। ओके, तो यील्ड पॉइंट दिया हुआ है, मैक्सिमम मिनिमम स्ट्रेस दिया हुआ है और फैक्टर ऑफ सेफ्टी पूछ रहा है। अच्छा, फैटिक स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर है बट उसका कोई यूज नहीं है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी पूछ रहा है, दैट मींस यील्ड है और डक्टाइल मटेरियल है, तो अपने आप दिमाग क्लिक कर जाएगा वी हैव टू यूज सोडरवर्ग इक्वेशन। तो जरा सोडरवर्ग इक्वेशन सबसे पहले ऊपर लिख लीजिए, सिग्मा ए बाय सिग्मा ई प्लस सिग्मा एम बाय सिग्मा वाई टी दैट विल बी इक्वल्स टू 1 बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी। चलिए, तो इसमें सिग्मा ई दिया हुआ है हमारे पास, दैट इज 196 मेगा पास्कल। ओके, सिग्मा वाई टी दिया हुआ है, दैट इज 294 मेगा पास्कल। ओके, अच्छा, यहां पे मैक्सिमम और मिनिमम स्ट्रेस पूछ रहा है, दिया हुआ है, तो यहां से सिग्मा मैक्स इज गिवन 147 मेगा पास्कल, सिग्मा मिनिमम दिया हुआ है दैट विल बी 49 मेगा पास्कल, राइट। चलिए, तो यहां से हमें ये दोनों आराम से निकल जाएगा। चलिए, तो सिग्मा पहले एम निकाल लेते हैं, दोनों को सम कर देते हैं, 147 प्लस 49 बाय 2, सो 196 बाय 2 आ गया ना। तो यहां से हम लोग देखेंगे तो दैट विल बी योर 98 मेगा पास्कल। ओके, हाँ, एंड व्हाट इज सिग्मा ए, ध्यान से देखेंगे तो 147 माइनस 49 बाय 2, तो ये आपको हो जाएगा 98 बाय 2 ना, और अगर ये 98 बाय 2 हो गया तो दैट विल बी 49 मेगा पास्कल, ठीक है। अब पुट कर देंगे, डायरेक्ट वैल्यू हमारे पास आ जाएगा, सिग्मा ए 49 बाय सिग्मा ई इज 196 प्लस सिग्मा एम हमारे लिए क्या है, सिग्मा एम 98 बाय 294 बराबर 1 बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी। अब अगर यहां ध्यान से देख लें तो ये 4 का लग रहा है, हाँ ये 4 से कट जाएगा, दैट विल बी 1 बाई 4, एंड ये जो लग रहा है मुझे 3 से लग रहा है, हाँ ये 3 चला जाएगा, ठीक है। तो 1 बाई 4 प्लस 1 बाई 3 दैट विल बी 1 बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी, ठीक है। चलिए, तो इसको सॉल्व करेंगे, तो ये आ गया 12, 3 प्लस 4 बाई 1 बाय एक्स ले लेते हैं, दैट इज एक्स इज इक्वल्स टू 12 बाई 7, तो यहां जो आंसर आ रहा है 1. ये 5 है, 1.71 के राउंड है, बट ऑप्शन जो है 1.9, 4, 1.5, 3 है, तो थोड़ा सा ऑप्शन इररिलेवेंट है, तो मे बी दैट विल बी ए टाइपिंग एरर ना, तो इसका आंसर आई गेस ये आ जाएगा, यही करेक्ट आंसर होगा, थोड़ा सा इसमें टाइपिंग एरर ऑप्शंस में लग रहा है। हाँ, अगर इसी गिवेन आंसर में देना है तो डिफिकल्ट होगा, क्योंकि 1.9 भी इक्वली क्लोज है 1.5 भी, तो ये ऑप्शंस में गड़बड़ी है, आपको एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस नहीं आएंगे। चलिए, तो ये 18 क्वेश्चन नंबर था, तो आई होप आप समझ गए होंगे कि इस तरह के क्वेश्चंस को हम लोग कैसे टैकल करते हैं। मैंने इसलिए 3 न्यूमेरिकल्स दिया कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। प्रैक्टिस में रहेंगे तो 1 to 2 मिनट सफिशियंट होता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 19, द प्रोसेस ऑफ शॉर्ट पिनिंग इंक्रीज द फैटिग लाइफ ऑफ स्टील स्प्रिंग मेनली बिकॉज ना, मैंने बताया था शॉर्ट पिनिंग से सरफेस पे रेसिड्यूअल कंप्रेसिव स्ट्रेस डेवलप होता है, जिस वजह से उसकी जो फैटिग स्ट्रेंथ है वो बढ़ जाती है। तो ये सिंपल क्वेश्चन था। 20, SN कर्व स्टील बिकम एसिम्प्टोटिक नियरली एट, मैंने बताया था एसिम्प्टोटिक का मतलब है, इसका ग्राफ मैंने बताया था ये, यस
दैट विल बी द सिग्मा ई एंड दिस विल बी द 10^6 साइकिल. तो ध्यान से देखिएगा, इसे बहुत सारे जीरोज हैं ना, बट आई थिंक बी ऑप्शन इज मोर अप्रोप्रिएट. तो जहां से ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ साइकिल के लिए ले लेता है ना, कि जिस साइकिल के बाद अब ये इनफाइनाइट नंबर के लिए है, तो इसी को बोलते हैं एसिम्प्टोटिक. ठीक है, चलिए तो इजी था. ओके, नाउ है 21. Static load is mounted at the center of shaft rotating at uniform velocity. This shaft will be designed for the ये rotating beam test है, that will be your fatigue loading. हाँ, ये उसका क्वेश्चन है. नेक्स्ट है 22. The yield strength of steel is twice its endurance limit. Okay? Which of the following torque fluctuation represent the most critical situation according to Soderbergh equation? तो Soderbergh equations में आप mainly यही देखेंगे ना, सबसे ज्यादा जो important होता है वो है stress amplitude. ना, तो stress amplitude is जो हमारे पास जो भी ऑप्शंस दिए हुए हैं उसमें किसका स्ट्रेस एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा वो उतना ज़्यादा खतरनाक होगा, क्योंकि यही तो वेरिएबल लोड है. इस क्वेश्चन में यही समझना है कि इस चार ऑप्शंस में जिसमें वेरिएबल स्ट्रेस ज़्यादा होगा उसमें वो क्रिटिकल सिचुएशन होगा. तो कैसे कैलकुलेट करेंगे ध्यान से देखिए. चलिए इसमें कहाँ से, ऑप्शन ए अगर देखेंगे तो प्लस टी बाई टू से ये टी तक है. तो वेरिएशन कितना है, तो जो भी स्ट्रेस होगा बाकी सारे फैक्टर्स कॉमन होते हैं ना. तो यहाँ पे अगर मैक्सिमम स्ट्रेस में देखूंगा या मैक्सिमम टॉर्क अगर हम लोग इसमें देखें तो दैट विल बी ना सॉरी नॉट मैक्सिमम दैट विल एम्पलीट्यूड इसका देखेंगे तो ये दोनों का डिफरेंस बाई टू. तो टी माइनस टी बाई टू, ये प्लस ही है आसानी से ले सकते हैं बाई टू, ये हो जाएगा टी बाई 4. तो ये हो गया 0.25t ऑप्शन ए. ऑप्शन बी में अगर देखते हैं तो माइनस टी से माइनस ऑफ माइनस टी बाई टू दैट विल बी माइनस टी, मैग्नीट्यूड लेंगे तो टी ही आएगा, साइन से डिफरेंस नहीं है. नाउ माइनस टी बाई टू से डिफरेंस करेंगे माइनस ऑफ टी बाई टू, तो ये इससे छोटा ही होगा क्योंकि ध्यान दीजिए ये टी है ये था, इससे ये छोटा ही होगा. तो इससे ये आएगा कितना, तो ये आएगा 1.3 by 2t by 2, तो 3t by 4, तो नियरली 0.75t. ठीक है, और लास्ट जो हमारे पास है जीरो से टी, तो जीरो माइनस टी बाई टू तो माइनस टी बाई टू. तो अगर इसमें हम मैग्नीट्यूड देखें तो जो बी ऑप्शन है उसका देखिएगा, इसका कोफिशियंट 1 है बाकी सबका फ्रैक्शन है. तो जिसमें स्ट्रेस एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा वो उतना ही डेंजरस होगा. तो ये क्वेश्चन उसी ट्रिक पे था. तो आई होप योर आंसर विल बी बी, आई होप आप समझ में आया होगा. 23, स्ट्रेस कंसंट्रेशन इज कॉज्ड ड्यू टू, मेनली होता है डिसकंटिन्यूटी की वजह से या एब्रप्ट चेंजेस ऑफ क्रॉस सेक्शन. ठीक है, ये मटेरियल के प्रॉपर्टी में वेरिएशन होगा उस पर डिपेंड नहीं करता है. बच्चे ऑल ऑफ दीज देख के ऑल ऑफ दीज कर देते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, एब्रप्ट चेंज ऑफ क्रॉस सेक्शन. 24 है, सोडरबर्ग रिलेशन इज बेस्ड ऑन, डेफिनेटली यील्ड स्ट्रेंथ, ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है. और फैक्टर ऑफ सेफ्टी, यस दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. फैक्टर ऑफ सेफ्टी का डेफिनेशन आप जानते हैं, दैट इज फेलियर स्ट्रेस बाय वर्किंग स्ट्रेस. चलिए तो आपको पता है ना, स्टैटिक लोडिंग में डक्टाइल के लिए यील्ड पॉइंट होता है, ब्रिटल के लिए अल्टीमेट होता है, लेकिन फैटिक लोडिंग या डायनामिक लोडिंग में ये हमारा फेलियर पॉइंट इंडरेंस लिमिट होता है. तो इसका आंसर हो जाएगा इंडरेंस बाय सिंपली दैट वर्किंग स्ट्रेस, आंसर विल बी ए. आई होप माई डियर स्टूडेंट आपको ये 25 क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे. अगर आप अच्छा करना चाहते हैं तो इसी तरह से आपको हर एक चैप्टर में क्वेश्चंस बनाने होंगे ना. थोड़े मैंने हर एक वैरायटी के क्वेश्चंस दिए, कुछ वन लाइनर हैं, कुछ थोड़े टफ न्यूमेरिकल्स भी हैं, क्योंकि आप अगर अच्छे एग्जाम में अपीयर होते हैं इसरो जैसे एग्जाम में, DRDO में, तो वहाँ पे आपको इस तरह के क्वेश्चंस के लिए आपको रेडी रहना पड़ेगा. कम पूछे जाते हैं लेकिन आपको रेडी रहना पड़ेगा. आपको फॉर्मूला का यूज़ करना आना चाहिए, और ऐसे भी कंपटीशन का लेवल अब बढ़ गया है तो आपको अपनी तैयारी का लेवल भी थोड़ा ज़्यादा रखना पड़ेगा. बाकी सिंपल क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो एक मिनट के अंदर बना सकते हैं. हाँ, न्यूमेरिकल में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, बट यू हैव टू मैनेज, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हैं वो 10 सेकंड में ही बनते हैं, तो उधर आपका 50 सेकंड बच रहा था. ऐसे 5-10 क्वेश्चन हैं जो 10-15-20 सेकंड में आपसे कंप्लीट हो जाएंगे, तो वो समय बचाएंगे तो न्यूमेरिकल आप बना सकते हैं. अक्सर हाँ बच्चे क्या होते हैं कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन पर ज़्यादा फोकस करते हैं, नहीं, ऐसे क्वेश्चन को आप उलझे नहीं, आप आसानी से पहले न्यूमेरिकल क्वेश्चन को बनाएं,
अगर नहीं पहली बार में बन रहा है उसे छोड़ दें, आप पहले पूरे कंप्लीट कर लें 25 तक, नहीं तो फिर टाइम मैनेजमेंट आपका गड़बड़ा जाएगा। आई होप माय डियर स्टूडेंट आपको यूनिट 1 के ये 25 क्वेश्चंस बहुत अच्छे लगे होंगे। अगर आपको कोई भी सॉल्यूशंस में डाउट है आप कमेंट कर सकते हैं। अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए ना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस तरह के क्वेश्चंस को बना सके ना। तो आई होप आपको अच्छा ये सेशन लगा होगा। फिर मिलते हैं अगले यूनिट थ्योरी ऑफ फेलियर में। थैंक यू।